नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभा कपिल अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मैं कच्चे केले के पोहे की रेसिपी। कुछ डिफरेंट सी है, कुछ अजीब सा है ना, सुनने में अटपटा लगता है, बट यकीन माने बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिलीशियस है। वैसे इसको हम कभी भी बना सकते हैं, बट ये नवरात्रों या कोई भी त्योहार या कोई भी व्रत के लिए तो बहुत ही खास है और बहुत इंस्टेंट बन जाती है, ज्यादा देर नहीं लगती है बनाने में और इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की ओर। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स से। कच्चे केले का पोहा है तो डेफिनेटली कच्चा केला तो होगा ही। ये मैंने लिए हैं 2 कच्चे केले, इनको मैंने धो लिया है। साथ में पोहे के लिए मैंने कुछ सामान लिया है, जैसे ये है बादाम, काजू, मूंगफली, किशमिश और ये है मखाने। साथ में ये ड्राई स्पाइसेस हैं, नमक है, सेंधा नमक है क्योंकि व्रत में सेंधा नमक यूज करते हैं, थोड़ी सी चीनी, कुछ भुना हुआ जीरा का पाउडर, कुछ ये है हमारा चाट मसाला और थोड़ा सा ये टाटरी कहते हैं इसको, और एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, और चाहे तो इसकी जगह आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लिए हैं मैंने ये लौंग, 3-4 लौंग हैं और थोड़े से करी पत्ते। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देखने में इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा लग रहे हैं बट ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कच्चे केले हैं इनको मैंने धो लिया, जिस मैंने बताया आपको, अब इनको हम कट करके छील लेंगे। और इसको हम इस तरह छीलेंगे, क्या इसका छिलका निकालने के लिए इसको बीच से स्प्लिट करेंगे थोड़ा सा और ये छिलका आराम से बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये छिलका हमारा बाहर निकाल देंगे इस तरह से। तो इसके छिलके रिमूव कर लेती हूँ मैं और इसके स्लाइस काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका छिलका उतार लिया, अब इसको हम छोटे छोटे स्लाइसेस कट करेंगे। उसको हम पहले इससे स्लैंट में काटेंगे और पतले बारीक स्लाइसेस कट करेंगे इसके इस तरह से। देखिए, इसके ऐसे बारीक स्लाइस कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं, इसके छोटे पीसेस बारीक, और अब इनको मैं डालने चलती हूँ डायरेक्ट कढ़ाई की ओर तलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में रख लिया है घी या रिफाइंड, जो भी आप चाहें, और इसमें हम इनको तल लेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। देखिए फ्रेंड्स, ये तल गए हैं, हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया। अब इनको हम किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि इनका सारा एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। अब मैंने एक दूसरे पैन में लिया है घी, देसी घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ले सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसको हल्का सा मेल्ट करके फिर बताती हूँ क्या करना है। अब फ्रेंड्स, घी गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं करी पत्ते और ये लौंग, ये आपके ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें। और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इन सबको भी हम डाल देते हैं इसमें, हल्का सा भून लेते हैं डालकर। सबको एक साथ मिला रही हूँ क्योंकि वैसे भी जल्दी मिर्च सबको मिलना ही है, जो तो इनको हल्का सा चटकने तक मैं भून लेती हूँ। और ये डाली किशमिश और इन सबको मैं हल्का सा भून लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इनको हल्का सा भूना और इनको मैं निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर पे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये भी तल लिए हैं बनाना और ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह तल लिए हैं हल्के से। अब देखिए कितनी आसान रेसिपी है, इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। इसको हम सबको मिक्स कर लेना है एक बड़े मिक्सिंग बाउल में, इन सबको डाल लेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फ्रेंड्स, इतनी आसानी, 10 मिनट भी नहीं लगते इस रेसिपी को बनाने में। और इसको आप ना बनाकर रख लीजिए किसी भी सूखे कंटेनर में रख लीजिए और आराम से ये 15-20 दिन भी, क्या 1 महीने तक भी लगभग ही चल जाएगी आराम से, ये खराब नहीं होंगे। तो नवरात्रों में या किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी फास्ट में आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसमें सब मसाले मिला लेती हूँ, जैसे ये भुना जीरा पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और चीनी भी है, इसमें आप पिसी चीनी मिला सकते हैं, और ये अमचूर पाउडर, इसमें आप चाट मसाला भी मिला सकते हैं, टार्टरिक एसिड, ये लगभग चुटकी भर डलेगा, इसकी जगह आप, मैंने जैसे बताया, अमचूर मसाला भी डाल सकते हैं, और ये भुना जीरा पाउडर, ये सबको अब हम मिक्स कर देंगे और बस ये एकदम रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, अब इन सबको मैंने दिया एक नाइस मिक्स और आप देख सकते हैं देखने में ही कितना टेम्पटिंग और कितना अच्छा लग रहा है। और मैं आपको आपको कहना चाहूंगी कि आप इसको ट्राई कीजिए नवरात्रों में और किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी व्रत पे जरूर ट्राई कीजिए। मुझे आशा है आपको ये जरूर पसंद आएगा।
फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज इसको लाइक तो बनता है और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये केले का पोहा या चिवड़ा इसको बोल सकते हैं, हमारे दम रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।